इस कहानी की शुरुआत में हम एक आवाज को सुनते हैं और एक आदमी वॉइस ओवर करते हुए बताता है कि फ्यूचर में ऐसी रैन होने की वजह से धरती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और बंजर हो जाती है, और ऐसी रैन की वजह से धरती पर पानी का नामो निशान भी नहीं बचता है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम किड होता है, और वो एक कचरे के ढेर के पास जाता है और उसमें से अपनी जरूरत की चीजें ढूंढता है और फिर साइकिल चलाता हुआ अपने घर पर जाता है। हम देखते हैं कि उसका घर एक बेसमेंट के अंदर बना हुआ होता है और उसके घर में बहुत सारी चीजें रखी हुई होती हैं। इसके बाद किड, जो कि सामान ढूंढकर लाया था और पहले से भी उसके पास कुछ सामान रखा हुआ होता है, वो उसे रिपेयर करता है और घर से निकलकर एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम बागू होता है, और वहीं पर दो लोग पंजा लड़ा रहे होते हैं जिसमें से एक आदमी का नाम फ्रेड होता है और उसने आज तक एक भी पंजा लड़ने वाला गेम नहीं हारा है। और हम किड को देखते हैं जो अपनी रिपेयर की हुई चीजें बागू को देता है और बागू उसके बदले किड को एक गंदे पानी की बोतल देता है और वो पानी बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, इसलिए किड उस पानी को लेने से इनकार कर देता है और बागू उसे टर्बो राइडर कॉमिक की बुक देता है और टर्बो राइडर किड का फेवरेट सुपर हीरो होता है, इसलिए किड उस बुक को ले लेता है। अब वहाँ पर फ्रेड आता है और वो किड को दूरी बनाए रखने के लिए कहता है, और तभी वहाँ पर फ्रेड का साथी आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा भाई खो गया है, इसलिए फ्रेड उसे ढूंढने चला जाता है। अब हम फ्रेड के भाई को देखते हैं जो कि जूस के पास कैद होता है और वहाँ पर उसका हाथ पैर कटे हुए रखे होते हैं। इसके बाद जूस, जो कि फ्रेड के भाई को जान से मरवा देता है, और हम किड को देखते हैं जो कि बहुत ही मजे से कॉमिक की बुक पढ़ रहा होता है, और तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम एप्पल होता है और किड उसे देखकर डरने लगता है। तभी एप्पल उसके हाथ पर एक बैच लगा देती है और उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहती है, और एप्पल एक डेड बॉडी से बात करने लगती है और डर के मारे किड वहां से भाग जाता है और अपने 20 मिनट में आता है और उसका बैच आवाज करने लगता है। जब वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद फ्रेड और उसके साथी फ्रेड के भाई को ढूंढ रहे होते हैं और तभी जूस के आदमी वहां पर आकर फ्रेड को छोड़कर सभी लोगों को मार देते हैं। इसके बाद किड फ्लैशबैक देख रहा होता है जिसमें एक आदमी साइकिल चलाकर उसकी मॉम और डैड को मारने के लिए आ रहा था, और तभी किड की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने एप्पल है, और एप्पल उसे बताती है कि उसके हाथ पर जो है वो एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिसकी मदद से मैंने तुमको ढूंढ लिया। हालांकि किड को एप्पल पसंद नहीं होती है। इसके बाद एप्पल किड को उसकी कॉमिक बुक रिटर्न कर देती है, जिसके बदले में किड एप्पल को वहीं पर रुकने के लिए कहता है, और दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो दोनों साथ में कचरे के ढेर में सामान ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम फ्रेड और जूस के लोगों को देखते हैं और तभी उन सभी की वहां पर लड़ाई होने लगती है और एक मास्क वाला आदमी फ्रेड के पंजे लड़ाने वाले हाथ को काट देता है, और वहीं दूसरी ओर किड और एप्पल साइकिल पर सवार होकर एक जगह पर आते हैं और बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं, और तभी एक आदमी उन पर नजर रख रहा होता है और वो पीछे से छिपकर आता है और एप्पल के ऊपर जाल डाल देता है और किड एप्पल के कहने पर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरा आदमी किड के पीछे पड़ जाता है और किड भागता हुआ साइकिल से गिर जाता है और बाद में एक चैम्बर के अंदर गिर जाता है जहां पर काफी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, और वहां पर एक वीडियो चल रही होती है जिसमें एक आदमी बता रहा होता है कि इस दुनिया में रोबोट्स की वजह से ऐसी रैन हुई थी और टर्बो राइडर ये सब ठीक करने के लिए आया था, मगर वो इस काम में असफल रहा, और किड को वहां पर टर्बो राइडर का सूट भी मिलता है जो कि रियल होता है, और फिर किड उस सूट को पहनकर बाहर आ जाता है और उस सूट में बहुत ही ज्यादा पावर होती है जिसे वो पहाड़ तक तोड़ सकता था, इसलिए अब किड टर्बो किड बन जाता है और वो उस आदमी को ढूंढता हुआ उसके पास जाता है और वो आदमी टर्बो किड पर अटैक करने वाला होता है, मगर तभी टर्बो किड सूट की पावर से उस आदमी की चिथड़े उड़ा देता है। और हम जूस के लोगों की बिल्डिंग देखते हैं जहां पर फ्रेड और एप्पल एक पुल के नीचे कैद होते हैं। तभी जूस उन सभी लोगों को बताता है कि वो इंसानों का किडनैप करके और उन लोगों को मारकर उनकी बॉडी के अंदर एक मशीन डालता है जिसकी मदद से वो पानी हासिल करता है, और हम सबको तो पता है कि हमारी बॉडी के अंदर खून से ज्यादा पानी है, और तभी वहां पर टर्बो किड आ जाता है और कहता है कि मैं एक सुपर हीरो हूं, और वह अपनी पावर को जूस पर यूज करता है, मगर सूट चार्ज ना होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाता और तभी उसे भी पुल में फेंक दिया जाता है। अब एप्पल टर्बो किड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद फ्रेड, एप्पल और टर्बो किड आपस में मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, और वो तीनों ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं और सभी लोगों को जान से मार देते हैं। और तभी जूस को उसकी हार देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो एप्पल को शूट कर देता है, और एक मोटा आदमी टर्बो किड को पकड़ लेता है और टर्बो किड का वेपन चार्ज हो जाता है और वो उसका यूज करके उस मोटे आदमी के बॉडी का आधा हिस्सा उड़ा देता है, और वो धमाका होने से फ्रेड टर्बो किड और एप्पल को वहां से भागने के लिए कहता है और सभी भाग भी जाते हैं।
और जूस मास्क वाले आदमी से उन्हें ढूंढ के मार देने के लिए कहता है। इसके बाद टर्बो किड फिर से वही फ्लैशबैक में अपने आप को देखता है और वो एक जगह छुपा हुआ होता है और उसकी मॉम के पास मास्क वाला आदमी और जूस आता है और तभी टर्बो किड होश में आ जाता है और एप्पल उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और टर्बो किड कहता है कि अगर ये टर्बो राइडर होता तो वो शायद मुझसे अच्छा परफॉर्म करता। और तभी एप्पल कहती है कि तुम टर्बो राइडर नहीं तो कोई बात नहीं, मगर तुम टर्बो किड जरूर हो। और तभी टर्बो किड को याद आता है कि एप्पल को तो गोली लगी थी, फिर भी वो अभी तक ठीक कैसे हैं। तब टर्बो किड को पता चलता है कि एप्पल एक रोबोट है और वो ये जानकर काफी हैरान होता है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और तभी एप्पल के सर्किट्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और तभी एप्पल उसे बताते हैं कि उसके हार्ट्स कम हो रहे हैं और टर्बो किड समझ जाता है कि अगर ये पूरे हार्ट्स खत्म हो गए तो एप्पल का सिस्टम बंद हो जाएगा और वो मर जाएगी। अब टर्बो किड एप्पल से वादा करता है कि वह कुछ भी करके उसके सिस्टम को जरूर ठीक करेगा। इसके बाद हम बागू को देखते हैं जो जूस की डर की वजह से अपना सामान पैक करके वहां से जा रहा होता है और तभी टर्बो किड और एप्पल आ जाते हैं और टर्बो के एप्पल की पूरी सच्चाई बागू को बताता है और उसे हेल्प करने के लिए कहता है। पहले तो बागू उनकी मदद करने से मना कर देता है, तभी एप्पल उसे बैच देती है और वो उन दोनों से कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक रोबोट सेंटर है, वहाँ की हेल्प से तुम एप्पल को ठीक कर सकते हो। और जब वो दोनों रोबोट सेंटर पहुँचते हैं तो एप्पल का सिस्टम बंद हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। इधर हम बागू को देखते हैं और उसके पीछे जूस के आदमी पड़ जाते हैं और रात के वक्त जब टर्बो किड कचरे के ढेर से खाना निकाल रहा होता है तो अचानक से एप्पल जाग जाती है और वो भी टर्बो किड के साथ खाना खाती है और वो बताते हैं कि वो भी इंसानों की तरह सब कुछ कर सकती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जूस बागू को टॉर्चर करता है और उससे एप्पल और टर्बो किड के बारे में पूछता है। तब मजबूरन बागू उनका पता बता देता है, मगर फिर भी मास्क मैन उसे बुरी तरह से मार देता है और जूस के आदमी एप्पल और टर्बो किड तक पहुंच जाते हैं और वो छिपे हुए होते हैं। तभी एप्पल की हार्ट मशीन बजने लगती है और मास्क मैन वो आवाज सुन लेता है और एप्पल और टर्बो किड साइकिल से भागने लगते हैं और वो सभी उनका पीछा करते हैं और भागते भागते वो डेड एंड पर पहुंच जाते हैं और टर्बो किड अपनी पावर से दो आदमियों को मार देता है, लेकिन मास्क मैन किसी तरह से एप्पल के हेड को काट देता है और हेड को कैच करने के चक्कर में टर्बो किड डेड एंड से नीचे गिर जाता है और वहां पर जहरीली गैस होती है और टर्बो किड का पोर वाला गैजेट वहां पर गिर जाता है और टर्बो किड एप्पल के हेड को उठाकर जहरीली गैस से बाहर निकालता है और वहीं पर बहुत सारे रोबोट पड़े हुए होते हैं, इसलिए वो एप्पल के हेड को एक रोबोट से जोड़ देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है और फिर से टर्बो किड फ्लैशबैक में जाता है और उसकी मॉम डैड के पास जूस और मास्क मैन आते हैं और उन दोनों पर चीजें चोरी करने का इल्जाम लगाते हैं और मास्क मैन टर्बो के फादर को तड़पा रहा होता है और तभी टर्बो किड की मॉम एरो से जूस की एक आंख फोड़ देती है और तभी मास्क मैन उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार देता है। उस समय टर्बो किड छोटा होता है और वह बहुत डर जाता है और डर के उस जगह से भाग जाता है। जब टर्बो किड को होश आता है तो वह अपने आप को फ्रेड के पास पाता है और फ्रेड ने उसकी जान बचाई थी और फ्रेड टर्बो किड को बता जाता है कि एप्पल मर चुके हैं। ये सुनकर टर्बो किड काफी उदास हो जाता है। तब फ्रेड कहता है कि तुम्हारा मुंह पर एक एहसान था, पहले तुमने मेरी जान बचाई और अब मैंने तुम्हारी, इसलिए हिसाब बराबर। और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जूस के आदमियों के पास जाएंगे और सभी लोगों को मार देंगे। तभी जूस के आदमी और मास्क मैन उनके सामने आ जाते हैं, इसीलिए फ्रेड एक टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एप्पल जिंदा हो जाती है और टर्बो किड के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी जूस के बहुत सारे आदमी टर्बो किड और फ्रेड के सामने आ जाते हैं और टर्बो किड जो कि बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फ्रेड टर्बो किड की हिम्मत बढ़ाता है। फिर टर्बो किड बिना पावर के जूस के सभी आदमियों को मारता रहता है और फ्रेड एक मेटल आर्मर है जिसकी वजह से वह सभी लोगों को बेरहमी से मारता है। तभी मास्क मैन को फ्रेड बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है और एक लेडी टर्बो किड पर बहुत भारी पड़ती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी वहां पर एप्पल आ जाती है और इस लेडी का पेट फोड़ देती है और टर्बो किड एप्पल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद एप्पल टर्बो किड को उसका गैजेट देती है। और उसी वक्त जूस पहले तो एप्पल को सूट करता है और बाद में फ्रेड को सूट करता है और टर्बो किड अपनी पावर से जूस को बेहोश कर देता है और एक एक करके बहुत ही ज्यादा बेरहमी से जूस के सभी आदमियों को जान से मार देता है। और जब मास्क मैन एप्पल को मारने की कोशिश करता है तभी टर्बो किड एक आयरन की चीज से मास्क मैन के चिथड़े उड़ाकर उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूस फिर से खड़ा हो जाता है और वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट होता है और तभी जूस अपनी पावर से उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, मगर तभी टाइमर वाला बम टर्बो किड जूस के पास फेंकता है और उसे ब्लास्ट करके जान से मार देता है। और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से उस जमीन से पानी निकलने लगता है और उस ब्लास्ट में एप्पल मर जाती है और टर्बो किड बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। और लास्ट सीन में फ्रेड टर्बो किड से कहता है कि अब पानी के लिए हमें किसी इंसान को मारने की जरूरत नहीं है,
इसके बाद टर्बो किड फ्रेड को अलविदा कहकर वेस्टलैंड की ओर चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।